Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have lecture number 12. It's operating and configuring a Cisco Internet Network operating system devices. Last lecture में हमने अपना transmission media cover किया था. Transmission media के अंदर हमने guided और unguided media देखा था कि guided media क्या होता है, unguided media क्या होता है. Guided media के अंदर हमने कोएक्सियल केबल, फिर कोएक्सियल केबल की टू टाइप्स, थिक नेट और थिन नेट केबल. फिर हम ने ट्विस्टेड पेयर की तरफ चले गए. उसमें हमने यूटीपी, एसटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को देखा था. फिर जो डिफरेंट टाइप्स थी, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनको डिस्कस किया. फिर हमने फाइबर ऑप्टिक्स में सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर को डिस्कस किया. ये चैप्टर्स डिस्कस टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद फिर हमने जो है डिफरेंट टाइप का जो अनगाइडेड मीडिया है, लाइक माइक्रोवेव है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वायरलेस है, उसको देखा. फिर हमने वायरलेस मीडिया को कवर करने के बाद फिर हमने केबल्स की टाइप देखी कि आपकी स्टेट केबल क्या होती है, आपकी क्रॉस केबल क्या होती है, आपकी रोल ओवर केबल क्या होती है. फिर स्टेट केबल की हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी. फिर हमने क्रॉस केबल की कॉन्फ़िगरेशन देखी. फिर हमने ये कहा कि स्टेट केबल्स कहाँ यूज़ होती हैं, क्रॉस केबल्स कहाँ यूज़ होती हैं. ये कवर करने के बाद हमने उसके जो डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स थे उन तमाम कनेक्टर्स को देखा कि वो जितने भी आप के कनेक्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं. उन तमाम कनेक्टर्स को हमने डिस्कस किया. उन तमाम कनेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद फिर हमने लास्ट में फिक्स डिवाइसेस और मॉड्यूलर डिवाइसेस देखी कि फिक्स आपके फिक्स डिवाइसेस कौन सी होती हैं, फिक्स डिवाइसेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो आपकी मॉड्यूलर डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस की क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. और फिर हमने मॉड्यूलर डिवाइसेस को कवर करने के बाद हमने ये देखा कि DTE क्या होता है, DCE क्या होता है, DTE आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, DCE आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको कवर किया. और बेसिकली उस लेक्चर के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ट्रांसमिशन मीडिया आपको समझ आ जाए, ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप्स का पता चल जाए, उनकी डिवाइसेस का पता चल जाए. फिर हमने ये देखा कि जो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस होती हैं वो किस तरह की होती हैं. फिर हमने ये एक डायग्राम देखी थी कि जहाँ आपने स्ट्रेट केबल कहाँ यूज़ करनी है, आपने क्रॉस केबल कहाँ यूज़ करनी है, आपने रोल ओवर केबल कहाँ पे यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें. फिर मैंने आपको ये कहा था कि इन तमाम लेक्चर्स को या जो हमारे जो इसके बाद के टॉपिक्स हैं उनको हम वैसे तो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करनी चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन क्योंकि इन वीडियो लेक्चर्स में पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसके लिए एक सिमुलेशन टूल रखा. अब यहाँ पे एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि आपके जहन में आ रहा होगा कि वाई वी यूजिंग सिमुलेशन टूल फॉर सिस्को डिवाइसेस. देखिए, देर आर ऑलमोस्ट 5 लाख नेटवर्किंग कंपनीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, अब इसके अंदर जो सिस्को है, जो इसके लार्जेस्ट शेयर हैं, 85% ऑलमोस्ट इंटरनेट के ऊपर जो शेयर हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो सिस्को की यूज़ हो रही हैं. फिर आपके पास इसमें नॉर्टल भी है, आपके पास जुनिपर भी है, बेलन भी है, डी लिंक भी है, बहुत सी डिवाइसेस हैं जो आपकी जो है यूज़ हो रही हैं. लेकिन हम इसके अंदर से सिस्को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, एड्स में, CCN ने, ठीक है, उनको नेटवर्किंग के लिए CCN ने रिक्वायर्ड है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट आपको रिक्वायर्ड है, CCNP रिक्वायर्ड है, CCIE रिक्वायर्ड है. तो सिस्को के एक तो इंटरनेशनल कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेशन भी हैं, उसकी मेन पावर मार्केट में अवेलेबल है, उसकी डिवाइसेस ज़्यादा हैं, कंपेटिबिलिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई लोग सिस्को को प्रेफर करते हैं. तो इसीलिए जो मैंने सिमुलेशन के लिए जो टूल रखा, ठीक है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम रखा, वो हमने रखा सिस्को का. अब आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर आर डिवाइस. ठीक है, बेसिकली अब मैं अगर आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो लाइक मैं यूज़र हूँ, ये सामने एक सिस्टम पड़ा हुआ है, तो हम इसमें जो अपनी स्लाइड्स रन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं. अगर ये आपके पास एक कंप्यूटिंग ट्राइंगल होती है, लाइक मैं अगर ये कहूँ कि उस ट्राइंगल में देर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट इज़ लाइक यूज़र,
अगर यहाँ पे ये कंप्यूटर भी है, मैं भी हूँ, लेकिन इसमें अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये आपके लिए बेकार है, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आपके पास आपका हार्डवेयर नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर की या डीवीडी पड़ी हुई है, मैं हूँ, लैपटॉप या सिस्टम नहीं है, तब भी बेकार है। और थर्ड, अगर लैपटॉप भी है और सॉफ्टवेयर भी है लेकिन अगर यूज़र नहीं है तब भी बेकार है। तो जो ट्राइंगल कंप्यूटिंग में आप देखेंगे, एक आपका यूज़र हो गया, एक आपका हार्डवेयर हो गया, एक आपका सॉफ्टवेयर हो गया। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्यों यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन, जब आप यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं, तो हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं iOS। अब व्हाट इज़ डिफरेंस इन iOS एंड OS? इंटरनेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें, यहाँ वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मतलब ही यही है कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। हम पहले जो बात कर रहे थे वो हम यूज़र और एक कंप्यूटर की बात कर रहे थे, अब हम जो बात कर रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट पीसीज हैं, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो जब आपने डिफरेंट नेटवर्क को की डिवाइसेस को आपस में यूज़ करना है तो आपको आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो और जो इंटरनेटवर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसलिए यूज़ होता है कि जो आपके डिफरेंट राउटर्स हैं, स्विचेज हैं, डिफरेंट लैंस हैं, उनको अगर आपने आपस में कम्युनिकेट करवाना है, इन दैट केस यू विल यूज़ इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए डेफिनेटली आपको कोई टूल चाहिए। अब अगर हम जो टूल में वो सारा वो काम कर लेंगे कि जो अपने जस्ट आपके पास फिजिकल राउटर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इतना ही काम रहता जाता है कि राउटर को आपने लगाना है, उसके बाद जो असल जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या है कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना। तो जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो राउटर को लगाना नहीं है, स्विचेस को इंस्टॉलेशन नहीं है, वो उसकी कन्फिग्रेशन है। जो कन्फिग्रेशन है उसकी, वो सारे के सारे, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब जो आपके पास इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम अपने रियल राउटर पे भी यूज़ कर सकते हैं और रियल स्विचेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टूल कहा था, जो बेस्ट टूल है, जो पैकेट ट्विस्टर का टूल है। बहुत से लोग इसके ऊपर अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी यूजिंग दिस टूल। किस तरह? देखिए, डिफरेंट कंपनीज हैं जो नेटवर्क डिज़ाइनिंग के अपने प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। आप जाते हैं नेट पे, बिड करते हैं और आपको एक नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब आप इस टूल को, ठीक है, वो आप उस पूरे केस स्टडी को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप देखते हैं अच्छी इतने राउटर चाहिए, इतने पीसीज चाहिए, इतने स्विचेस चाहिए, राउटर कहाँ पे डिप्लॉय करना है, स्विच कहाँ पे डिप्लॉय करना है, पीसी कहाँ पे डिप्लॉय करना है, उसमें केबल कौन सी लगानी है। तो यूजिंग पैकेट ट्रेसर यू कैन डिज़ाइन एंड बिल्ड योर नेटवर्क। जब आपने नेटवर्क डिज़ाइन कर दिया और आपने अपना नेटवर्क सारा बिल्ड कर लिया, यानी आपने अपने राउटर्स प्लेस कर दिए, अपने स्विचेस प्लेस कर लिए, अपनी हब्स प्लेस कर ली, हर चीज़, उसके बाद आपने सारे की सारी उसकी कन्फिग्रेशन की करके आपने पैकेट ट्रेसर की सारी डायग्राम को सेव किया, उसकी कमांड को सेव किया और उस कंपनी को मेल कर दिया। वहाँ पे वो कंपनी क्या करेगी? आपके डिज़ाइन के मुताबिक वैसे ही राउटर सारे प्लेस कर देगी, स्विचेस वैसे प्लेस कर देगी, और एक सर्वर होता है वो हम देखेंगे, TFTP सर्वर, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP सर्वर। यूजिंग TFTP सर्वर वो सारे की सारी जितनी भी कमांड्स हैं वो इन तमाम राउटर और स्विचेस के ऊपर पेस्ट कर दी जाएंगी और उनका नेटवर्क। तो अब क्या है कि उस कंपनी ने आपकी आपकी जो सर्विसेज हायर की, आपकी कंसल्टेंसी हायर की, तो वो जो कंसल्टेंसी और सर्विसेज हैं उसमें आपने सारे का सारा नेटवर्क डिज़ाइन कर दिया। तो बहुत से लोग इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट केस स्टडीज हैं, ठीक है, लाइक $100 से लेकर $1000 तक वो केस स्टडीज मिल जाती हैं, इससे भी बेहतर मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से वो केस स्टडीज की हंटिंग कर सकते हैं, करके उसको पैकेट ट्रेसर में डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपना बैठ के, घर पे बैठ के आप यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग सॉफ्टवेयर आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई जो ये लेक्चर, ये जो आनवर्ड में लास्ट लेक्चर में कहा था कि जिस तरह हम जब अपनी डिजिटल ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे और डाटा सिग्नल पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि थोड़े से बोरिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन अब जो हमारा काम है इट्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इसमें आप अगर ये सारी चीज़ें सीख लेंगे तो आप, एक तो आपके प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे, दूसरा
आपको रियल इंडस्ट्री में जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वहां पे जो रियल काम हो रहा है राउटर्स के ऊपर, स्विचेस के ऊपर, डिफरेंट टाइप की केबल्स लाई जा रही है, वो सारी की सारी आप इस सॉफ्टवेयर के तहत बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया था कि पैकेट ट्रेसर को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको कुछ डिफरेंट टाइप की केबल्स भी शो की थी, वो आज हम फिर थोड़ा सा आपको रिपीट भी कर दूंगा। और अब हम इस टूल को करने के लिए हम ये करेंगे कि साथ साथ इन कमांड्स को देखते जाएंगे, साथ ही मैं इस टूल को ओपन करूंगा सिस्टम के ऊपर, और जो कमांड हम यहाँ पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम कन्फर्मेशन भी करते रहेंगे, ताकि आप लोगों का जो विजन है वो बेहतर डेवलप हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि हमने इस टूल को किस तरीके से, जो आपने इस टूल की लर्निंग करनी है, आपने सीखना है वो किस तरीके से सीखना है, इसके अंदर जो इश्यूज हैं आपको वो पता चल जाए, ठीक है। हम इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं कन्फिगर। तो अभी हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस। और हम यहाँ पे इसके लिए जो हम अपने लैब्स के लिए जो हम टूल यूज कर रहे हैं वो हम सिस्को का प्लेटफॉर्म अपना यूज करेंगे। अब इट्स द फर्स्ट स्लाइड, इट्स द सिस्को iOS सॉफ्टवेयर, सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके पास स्विच है, ये सिंबल जो है ये आप ध्यान में रखें, ये आपके पास जो सिंबल है ये सिंबल आपके स्विच का सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये सिंबल आपके राउटर का सिंबल है। अब यहाँ पे आपको ये बात बताता चलूँ मैं कि स्विचेज और राउटर्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑलमोस्ट आप ये समझें कि 85% सेम होता है, ठीक है। जो कमांड आप राउटर पे यूज़ कर सकते हैं वो स्विच पे भी कर सकते हैं, जो स्विच पे कर सकते हैं वो राउटर पे कर सकते हैं। मैं जब कमांड्स की बात करूंगा तो अगर मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि वो कमांड दोनों चीज़ों पे चल रही है, लेकिन मैं अगर डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि ये कमांड सिर्फ राउटर के लिए, इट मीन्स कि वो सिर्फ राउटर के लिए है, वो कमांड आप स्विच के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। या अगर मैं इस चीज़ पर कर रहा हूँ, डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि ये कमांड सिर्फ स्विच के लिए है, तो वो कमांड सिर्फ स्विच के लिए होगी, इट मीन्स कि वो कमांड आपके राउटर पर नहीं चलेगी। तो जो मेरी डिफरेंट डिस्टिंग्विशेस हैं वो हम इसी बेस के ऊपर कर रहे हैं कि कौन सी कमांड आपकी आपकी जो है राउटर पर चलेगी, कौन सी कमांड आपकी स्विच पर चलेगी। तो अभी हम इसको देखते हैं, हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कि ये सिंबल आपके पास जो है स्विच का है, ये सिंबल आपके पास जो है, ठीक है, ये जो आपके पास सिंबल है ये सिंबल आपके राउटर का है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिलीवर्स नेटवर्क सर्विसेज एंड इनेबल्स नेटवर्क एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर डिलीवर करता है नेटवर्क सर्विसेज। देखें, आप इंटरनेट क्यों यूज़ करते हैं? सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं ना। अगर उसमें मेल की सर्विस ना हो, फेसबुक की सर्विस ना हो, चैटिंग की सर्विस ना हो, ब्राउजिंग की सर्विस ना हो, सर्चिंग की सर्विस ना हो, तो आई थिंक यू विल नॉट यूज़। तो अब जब राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब आप राउटर यूज़ करते हैं, नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, तो वो इसलिए यूज़ करते हैं कि जो आपके डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिस तरह आपके पास राउटर्स हैं, स्विचेज हैं, उनको रन करने के लिए, उनकी सर्विसेज के ऊपर काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना सिस्को का इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट्स अप द डिवाइस विद, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। नेटवर्क पॉलिसी ऑन द फंक्शंस रिक्वायर्ड। अब देखें, सबसे पहले तो जब आप अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने की बात करते हैं तो यू नीड सम नेटवर्क पॉलिसीज, यानी आपको कुछ नेटवर्किंग की पॉलिसीज चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए कि ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो नेटवर्किंग की जो पॉलिसीज हैं, देखिए, हर एक का अपना नेटवर्क है। मैं अगर कहूँ कि मैंने एक यूनिवर्सिटी के लिए नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने होटल के लिए नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने एक शॉपिंग मॉल के लिए नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने एक मेडिकल कंपनी के लिए नेटवर्क करना है तो उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं ये कहूँ कि मैंने कोर्स के लिए एक नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं ये कहूँ कि मैंने FIA के लिए नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो उनकी अपनी नीड्स हैं। तो नेटवर्क डिज़ाइनिंग जो है, जिस तरह आप घर बनाते हैं, ठीक है, हर एक, ठीक है, एक आदमी जो घर डिज़ाइन करता है वो अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैप डिज़ाइन करवाता है और उसके ऊपर अपना घर बिल्ड करता है। तो यहाँ पे भी जो आपने नेटवर्क डिज़ाइनिंग की हम बात कर रहे हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो हम अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या हैं, हमें कौन कौन सी पॉलिसीज रिक्वायर्ड हैं उन फंक्शंस को रन करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए,
तो जो आपकी नेटवर्क पॉलिसीज होंगी वो आप तभी आप अपने यूजर से पूछेंगे जी आपको क्या पॉलिसीज चाहिए, नंबर ऑफ यूजर्स कितने होंगे, सिक्योरिटी आपको कितनी चाहिए, लैन की सर्विसेज क्या होंगी, वैन की सर्विसेज क्या होंगी, ठीक है, कोई आपस में कोई डिफरेंट कैंपस तो नहीं है, ये विद इन वन सिटी होगा या ये विद इन कंट्री होगा या विद इन वन बिल्डिंग होगा, ये सारी देन प्रोटोकॉल एड्रेसिंग एंड पैरामीटर सेटिंग, ठीक है। अब प्रोटोकॉल हम अभी हमने देखा था जैसा TCP है, UDP है, फिर आपके पास डिफरेंट टाइप की क्लासेज होती हैं, क्लास ए होती है, क्लास बी होती है, क्लास सी होती है, क्लास डी है, क्लास ई है, आप ये देखेंगे कि आपको IP एड्रेसेस की कौन सी क्लास चाहिए, क्लास ए चाहिए, क्लास बी चाहिए, क्लास सी चाहिए, जिस क्लास का आपको IP एड्रेस चाहिए आप उसी ही क्लास का IP एड्रेस यूज़ करेंगे, कि अगर आपने ए यूज़ करनी है, आपने बी यूज़ करनी है, आपने सी यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये जो एड्रेसिंग का एक पूरा चैप्टर है, आप अपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इंशाल्लाह वो वेलकम लेटर इन अवर लेक्चर्स कि IP एड्रेसिंग क्या है, सबनेटिंग क्या है, राउट समराइजिंग क्या है, आपका वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग क्या होती है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल जो आपकी एड्रेसिंग है वो हो गई कि क्लास ए है, इट्स बी है, इट्स सी है, इट्स डी है, इट्स ई है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल ABC यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे कैटलिस्ट स्विच मेमोरी हैज इनिशियली कन्फिगरेशन विद डिफॉल्ट, जब आपका स्विच या आपका जब राउटर होता है तो जब आप विंडोज़ फर्स्ट टाइम करते हैं इंस्टॉल तो आपको एक बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप मिल जाता है, कि आप अगर आप बैकग्राउंड पे अपनी तस्वीर लगा देते हैं, माई कंप्यूटर का आइकन आपने सेंटर में ले आया, माई डॉक्यूमेंट को आप राइट साइड में ले गए, तो ये आपकी अपनी सेटिंग है। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है स्विच की या राउटर की वो वही होती है, सिस्को राउटर विल प्रॉम्प्ट फॉर इनिशियल कन्फिगरेशन इफ देयर इज नो कन्फिगरेशन इन मेमोरी, अगर उसकी मेमोरी में पहले से कोई कन्फिग्रेशन नहीं है तो जो इनिशियल कन्फिग्रेशन है वो वही पिक करेगा, जिस तरह आपने अपना विंडोज इंस्टॉल की, लिनक्स आपने इंस्टॉल किया, तो जो उसकी बेसिक या आपकी इनिशियल सेटिंग है वो सारी की सारी वही वहां से जो है वो पिक करेगा। अब इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, एन ओवर व्यू ऑफ सिस्को डिवाइस, देखें जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपने ऑन किया तो आपको याद होगा कि एक उसकी लाइट ब्लिंक होती है, फिर अगर आप अब तो खैर फ्लॉपी डिस्कस नहीं होती, लेकिन कुछ साल पहले आपकी फ्लॉपी होती थी, अब उसकी लाइट जलती थी, CD की लाइट जलती थी, अगर कुछ उसके हमें सिंबल्स बता दे, अगर आपकी रैम लूज़ हो तो वो एक कंटिन्यूस बीप देता है, अगर VGA का कार्ड लूज़ हो तो फिर वो बीप देता है, बीप देन यानी उसमें आता है, तो ये हमें पता चल जाता था कि इसमें रैम का इशू है। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम ऑन किया तो वो वहाँ से लेकर आपका बूटिंग प्रोसेस, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन टेस्ट, वो जो आपका पोस्ट का प्रोसीजर है वो क्या होता है कि डिवाइस का तमाम हार्डवेयर चेक होता है, तमाम कनेक्टर्स देखे जाते हैं, केबलिंग जो उसके अंदर है सारा कुछ, जब आपका आपका कंप्यूटर आपको प्रॉम दे देता है, आप उसको बूट करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में कोई क्योंकि प्रॉब्लम हो तो रास्ते में रुक जाता है। जस्ट लाइक इन द नेटवर्किंग कंपोनेंट्स राउट इन द राउटर एंड स्विच फाइंड एंड चेक डिवाइस हार्डवेयर, यानी सबसे पहले जिस तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर चेक होता है वैसे ही जब उसको ऑन करेंगे तो वो डिवाइस का हार्डवेयर चेक करेगा कि फाइंड करेगा कि प्रॉपर है कि नहीं, अगर पहला स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करेगा, फाइंड एंड लोड सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जब अगर आपके विंडोज जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसकी सारी पोर्ट्स भी ठीक काम कर रही है, हर चीज ठीक काम कर रही है, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो सॉफ्टवेयर की तरफ बूटिंग में चला जाता है, अगर सॉफ्टवेयर की फाइल सारी ठीक है, कोई करप्ट नहीं है, कोई रजिस्ट्री की फाइल एरर नहीं है, विंडोज में कोई एरर नहीं है, तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट दे देता है, और लास्ट में क्या होता है, फाइंड एंड अप्लाई डिवाइस, देखें जब आपने विंडोज बूट कर गया तो जो जो सेटिंग आपने की हुई है, अगर आपने यूजर्स बनाए हुए हैं, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में आपने पिक्चर आपने इसमें डाली हुई है, ठीक है, तो जो फोल्डर्स बनाए हुए हैं आपको एग्जैक्टली वही डाटा सारे का सारा आपको वापस मिल जाएगा, ये नहीं होगा कि आपको वो सारे का सारा डाटा ना मिले, तो वो आपकी क्या है कि जो आपकी उस डिवाइस के ऊपर जो आपने अपनी कन्फिग्रेशन की हुई है वो सारी की सारी कन्फिग्रेशन आपको मिल जाएंगी। तो जहाँ हमने क्या किया कि फाइंड एंड अप्लाई डिवाइस की कन्फिग्रेशन, तो जितनी भी आपकी डिवाइस की थी कन्फिग्रेशन सारी सारी आपको मिल गई। ये काम अब स्विच में भी ऐसे होता है और राउटर में ऐसे होता है। तो इसके क्या हुआ कि दे आर 3 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप में फाइंड एंड चेक डिवाइस हार्डवेयर, सेकंड में फाइंड एंड लोड सिस्को iOS सॉफ्टवेयर इमेज, एंड थर्ड में इट विल फाइंड एंड अप्लाई डिवाइस कन्फिग्रेशन। तो ये 3 आपके स्टेप्स हैं इसके अंदर जी।
अब राउटर और स्विच को लगाने के लिए या उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमारे पास देर आर फाइव. फर्स्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कंसोल पोर्ट. कंसोल पोर्ट वो है कि जिसमें वन एंड हमने क्या कहा था RJ45 होता है, दूसरा एंड होता है DB9 डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 9, यानी जो आपका सिस्टम है जहाँ आपका माउस काम वन पोर्ट पे लगता था, एक केबल आपकी वहाँ पर लग जाती है और दूसरी आपकी RJ45 में लग जाती है. कंसोल पोर्ट जो होता है ये आपके पास जो है ये सबसे आपकी स्ट्रांग पोर्ट होती है. यहाँ पे जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है. यानी जब आप फर्स्ट टाइम राउटर लगाते हैं, आपने अगर राउटर का पासवर्ड सेट करना है, आपने प्रोटोकॉल सेट करना है, उसकी जितनी भी सेटिंग करनी है, फॉर्मेट करना है, उसको रेज करना है, जो भी करना है वो आप अपनी कंसोल पोर्ट से कर सकते हैं. तो जो कंसोल पोर्ट होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट होती है आपके राउटर के अंदर. सेकेंड इज एक्सिलरी पोर्ट. ये हम यूज़ करते हैं रिमोटली. ये आप जो सिंबल देख रहे हैं ये मॉडर्न, या इसको हमने लास्ट टाइम कहा था CSU DSU, चैनल सर्विस यूनिट, डाटा सर्विस यूनिट होते हैं. कि अगर आपने इस डिवाइस को रिमोटली काम करवाना है, यानी ये आपके पास एक सिस्टम है, सॉरी ये एक मॉडर्न है, ये दूसरा मॉडर्न है, तो जब आप यहाँ बैठे हुए हैं आपका राउटर किसी और सिटी में, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेटिंग इन द इस्लामाबाद एंड योर राउटर इज इन लाहौर, ठीक है, आप उसको इस्लामाबाद से बैठ के लाहौर के लिए करना चाहते हैं कन्फिगर, तो आपको एक्सिलरी पोर्ट के थ्रू आप उसको कन्फिगर कर सकते हैं. यानी जब आपने उसको रिमोटली कन्फिगर करना है तो वो आप यूज़ करते हैं, इसमें अपने एक्सिलरी पोर्ट यूज़ करते हैं. थर्ड आपके पास टेलनेट है. टेलनेट जो है ये इथरनेट या फास्ट इथरनेट या गीगाबिट इथरनेट, इन तीनों पोर्ट्स के थ्रू हम अपनी टेलनेट की यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं. कि अगर आपके पास इथरनेट है, अगर फास्ट इथरनेट है और गीगा, इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो इथरनेट नेटवर्क होता है वो आपका 10 मेगाबिट्स का नेटवर्क होता है, जो आपका फास्ट इथरनेट जो होता है वो आपका 100 मेगाबिट्स होता है, और जो आपका 1000 मेगाबिट्स होता है वो आपका गीगाबिट होता है. तो ये जो आपके पास तीन है, इथरनेट, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट है, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपके चल रहे होते हैं, ये आपके राउटर के होते हैं. अब ये है कि आप उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन तीनों में आपकी स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, 10 मेगाबिट्स, 100 मेगाबिट्स और आपके पास 1000 मेगाबिट्स आ रहा है. तो टेलनेट के अंदर एक और बेनिफिट भी किया है कि हम अपने डिवाइस को एक टाइम में 5 डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है और उसको कन्फिगर किया जा सकता है. टेलनेट के जो सेशन होते हैं वो 0 से 4 होते हैं. पहला सेशन होता है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3rd और पांचवा 4th. तो 0 से 4 आपके सेशन होते हैं, ये हम टेलनेट यूज़ करते हैं. देन इसको हम वेब आर नेटवर्क, आजकल आपने देखा होगा जो नए आपके के जो आप अगर घर में वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो नए राउटर आ रहे हैं, ठीक है, वाईफाई के या वो, तो उनके ऊपर आपको एक वेब इंटरफेस भी मिल जाता है कि आप यूजिंग वेब भी बैठ के उसको, जिसको हम GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको मिल जाता है कि आप उसको यूजिंग वेब बैठ के उस डिवाइस पे काम कर सकते हैं, उसको कन्फिगर कर सकते हैं, उसकी सारी की सारी जितनी भी सेटिंग्स है वो आप कर सकते हैं. उसको हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या वेब सेटिंग कहते हैं. और लास्ट आपके पास देखने TFTP, अगर आप जाके गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, लिखिएगा सोलर वाइंड एक कंपनी है. वैसे तो बहुत सी कंपनीज जो हैं जो आपका TFTP का सॉफ्टवेयर बनाती हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट कंपनी है वो आपकी कंपनी है सोलर वाइंड, SOLARWINDS, सोलर वाइंड, SOLARWINDS, ठीक है, सोलर वाइंड. फिर आप उसमें दीजिएगा स्पेस और आगे लिखिएगा TFTP, आगे लिखिएगा फॉर डाउनलोडिंग, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. तो TFTP स्टैंड फॉर ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अभी आपके पास जो ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये जब आपने अपने राउटर का बैकअप लेना है, आपने अपने स्विच का बैकअप लेना है, आपने अपनी राउटर की सारी सेटिंग करनी है, स्विच की सारी सेटिंग करनी है, तो उसके लिए जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये आपका वो प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू आपकी जितनी भी सेटिंग होती है वो हम सारी की सारी अपनी सेटिंग कर सकते हैं. लास्ट में आपके पास क्या है, वेब आर नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर. ये जो आपके पास देख रहे हैं, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो हमारे पास एक कंसोल पोर्ट हो गई, एक्सिलरी पोर्ट हो गई, टेलनेट हो गई, TFTP हो गया, और ये तो TFTP हम भी इसकी लैब करेंगे, हम इसको डाउनलोड भी
करेंगे। तो इसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप सिंपल अगर यहाँ पे जाके आप www.google.com में जाएं, ठीक है, वहाँ पे आप लिखें SolarWinds, तो SolarWinds और स्पेस TFTP, तो आपको वो मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो आपको बात समझ आ गई कि एक आपके पास कंसोल पोर्ट हो गई, एक आपके पास रेजोल्यूशन पोर्ट हो गई, एक टेलनेट हो गई, एक TFTP हो गई और एक आपके पास वेब पेस्ट हो गई। अब ये आपके पास यानी जो आपका जो इसमें जो इंटरफेस होता है, एक आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है और एक आपका GUI होता है। जो GUI होता है वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और जो CLI होता है वो आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में और जो कमांड लाइन इंटरफेस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अब यहाँ वो देखते हैं वन वन, ठीक है, कि एक कमांड लाइन देखें जो CLI है वो सारी सारी कमांड थ्रू होता है। बेसिकली जो आपकी राउटिंग है और सचिंग है, जो आपके राउटर्स हैं और जो स्विचेस हैं, हम उनको जब भी कन्फिगर करते हैं तो वो कमांड लाइन के थ्रू किए जाते हैं मोस्टली। और मेरा भी जो आपको मैं लैब्स कराऊंगा वो यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको कमांड का देखें, हम जाते हैं स्टार्ट डास खोलते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि डास को ओपन करने के लिए उसके पीछे एक कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, वो क्या हो रही है, देखें आप यहाँ पर जाएँ, यहाँ लिखें CMD, तो ये आपके पास डास आ गया, ठीक है। अब यही डास जो है वो अगर आपने वर्ड खोलना है तो वर्ड की भी एक कमांड आप लिखें यहाँ पे विन वर्ड इंटर, आपका अगर इसमें वर्ड हुआ तो वर्ड आपका ओपन हो गया। तो ये सारी वो कमांड्स हैं, जब आप ये कमांड्स ओपन करते हैं या आप जाके जब जाते हैं स्टार्ट में प्रोग्राम्स में ऑफिस में वर्ड पे क्लिक करते हैं तो बैकएंड के ऊपर वो कमांड एग्जीक्यूट होती है। तो इसलिए इट्स बेटर, इसलिए जो राउटर और स्विचेस हैं इनमें जो मोस्टली हम काम करते हैं वो यूजिंग CLI मोड करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस मोड किया जाता है, GUI ऑप्शंस काम होती हैं, ठीक है जी। यूजर टाइप आर पेस्ट एंट्रीज इन द कंसोल कमांड, आप इसको कर सकते हैं। ऑपरेशन वेरी ऑन डिफरेंट इंटरनेट नेटवर्क, कुछ कमांड देखें अगर आपके डिफरेंट मॉडल के राउटर्स हैं या अगर एक राउटर आपका जुनेपर का है, एक सिस्को का है, एक नोट्रल का है, एक बेलैन का है, एक डी लिंक का है, तो जो डिफरेंट वेंडर्स हैं वो कमांड आपकी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। हर जिस तरह देखें आप लिनक्स के बहुत से आपके फ्लेवर्स हैं, यूबंटो है, कैल्डेरा है, रेड हैट है, तो आप हर वर्जन के ऊपर अपनी थोड़ी बहुत कमांड में डिफरेंस है तो वो वेरी कर सकते हैं। इंटर की इंस्ट्रक्ट डिवाइस टू एंड एग्जीक्यूट द कमांड, आप जब उसमें कमांड लिख देते हैं इंटर करते हैं तो वो की वो कमांड जो है आपकी एग्जीक्यूट होती है। और फिर टू प्राइमरी, अब इसके हमारे पास यहाँ जो मोड्स हैं राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो दो बेसिक मोड्स हैं, एक आपका यूजर मोड होगा और एक आपका इनेबल मोड होगा या प्रिविलेज मोड होगा। तो ये जो दोनों मोड्स हैं आपके यूजर मोड और वो, अभी देखते हैं कि इन मोड्स को किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं हम अपने राउटर में और किस तरह यूज किया जाता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब जो आपके पास फर्स्ट मोड है वो आपके पास आपका आपका यूजर मोड है, और यूजर मोड का क्या सिंबल है, वो ये साइन सिंबल है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो ये आपका होस्ट नेम है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कॉम्सर्ट लिख सकते हैं, BSCS लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। ये आपका जो सिंबल है, ये जो आपका ग्रेटर देन सिंबल है, ठीक है, ये इट शोज कि यू आर करंटली इन यूजर मोड, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट मोड है वो आपके पास जो है यूजर मोड है। अब हम जाते हैं साथ ही इसकी जो है वो लैब भी देखते हैं। ये हमने लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, आप पैकेट ट्रेसर पे आ गए, अब मैं फिर बताता हूँ आप यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी विंडो आप में ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे राउटर आ रहे हैं, ठीक है, ये उसके डिफरेंट सीरीज है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि राउटर जिस तरह Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, ICO 3, 5, 7, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, वैसे ही आपके राउटर और स्विचेज की भी डिफरेंट सीरीज होती है। अब वो जो सीरीज है आपकी डिफरेंट राउटर की स्विचेज की, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक डिफरेंट सीरीज है। यहाँ से मैं अगर ये राउटर पे करता हूँ, ये एक को राउटर पे करता हूँ, इट्स द जेनेरिक राउटर, अभी हम बाद में देखेंगे व्हाट जेनेरिक एंड नॉन जेनेरिक, ये आपके पास एक राउटर आ गया, ठीक है, ये एम्प्टी मीन इसमें कोई मॉड्यूल नहीं है। मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे ये आपके राउटर का, हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे जूम करके, ये आप देख रहे हैं ये आपके राउटर का पावर का बटन है। वैसे जो आपका रियल राउटर होगा, यहाँ से अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो गया, यहाँ से इसको ऑन कर देंगे तो ऑन हो गया, ये आपके पास इसकी पावर कार्ड आ गई
और ये आपके पास वो दो मोड्स जो हम देख रहे थे, एक आपके पास कंसोल है और एक आपके पास, ठीक है, एक केबल आप यहाँ लगा देंगे कंसोल में, ये केबल आपका जो दूसरा पीसी होगा ये उसमें जाके लग जाएगी। तो ये आपके पास एक इसमें इसका कंसोल मोड आ गया और दूसरा इसके अंदर आपका एक्सिलरी मोड आ गया। तो ये दो मोड्स हैं जिसके थ्रू आप अपने राउटर को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये आपका वो मोड आ रहा है सी एल आई मोड में। अगर इस राउटर को यहाँ से ऑफ रखता हूं और मैं कमांड लाइन इंटरफेस मोड में जाता हूं तो मुझे मैसेज आ जाता है डिवाइस मस्ट बी पावर्ड। डेफिनेटली जब आप राउटर को ऑफ करके उसको ऑन करेंगे तो आपको मैसेज यही आएगा कि, तो ये जो सिमुलेशन टूल है ये ऑलमोस्ट समझिए कि 95% के करीब प्लस में मैचिंग है कि जो काम आप रियल राउटर या स्विच पे कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट 95% काम आप इस डिवाइस पे कर सकते हैं। मैं यहां से इसको ओके करता हूं तो ये आपने देख लिया जी कि इसके अंदर क्या क्या है, कंसोल पोर्ट देख लिया आपने, दूसरी बाकी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अभी यहाँ पे कोई मॉड्यूल नहीं है, कोई चीज़ कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि मैं अगर इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, आपको भी एक और चीज़ भी आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सिमुलेशन टूल डिज़ाइन किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये आपके डिफरेंट मॉड्यूल आ रहे हैं, आपने लास्ट टाइम याद है आपको फिक्स डिवाइसेज और वो देखा था। अगर ये मॉड्यूल पिक करता हूँ यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ तो मैसेज देगा कैन नॉट ऐड, जब आपका कंप्यूटर अगर आपने ऑन किया हुआ उसके मदरबोर्ड खोल के आप उसमें कोई कार्ड लगा सकते हैं, नहीं लगाते ना, आप पहले सिस्टम को ऑफ करते हैं फिर उसको प्लग ऑफ करके फिर आप उसका बॉक्स खोलते हैं फिर आप उसको ओपन करके उसके बोर्ड पे कार्ड लगाते हैं। तो जस्ट लाइक आप अगर यहाँ पे पहले इसको ऑफ करेंगे, अब आपने कोई मॉड्यूल ऐड करना है, फर्स्ट किया मैंने ये 1S मॉड्यूल ऐड करना है तो अभी देखें ये आपने हमने एक मॉड्यूल में 2 पोर्ट async सीरियल नेटवर्क मॉड्यूल मैंने इसमें ऐड कर दिया, कोई और मॉड्यूल ऐड करना है तो ये आपका मॉड्यूल राउटर है। आप देखें इसमें हम डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड करते जा रहे हैं, हमने लास्ट टाइम जो डिफरेंस देखा था कि फिक्स डिवाइसेस में और मॉड्यूलर डिवाइसेस में क्या डिफरेंस होता है, वो यही डिफरेंस था कि जो आपके पास फिक्स डिवाइसेस हैं या जो आपके पास मॉड्यूलर डिवाइसेस हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या आ रहा था। कि आप ये देख रहे थे कि जो आपके पास मॉड्यूलर डिवाइसेस हैं या जो आपके पास फिक्स डिवाइसेस हैं, आप ये देखें कि यहाँ से आप इसको पिक करते हैं और ये आपने ये डिवाइस आपने यहाँ पे लाकर लगा दी तो ये आपके पास एक फिक्स डिवाइस है। तो जो आपकी फिक्स डिवाइसेस हैं या जो आपकी दूसरी डिवाइसेस हैं वो आप इस तरीके से उनको लिंक कर सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं, यहाँ से आपका इसको जूम कर सकते हैं, ये आपका जूम आउट हो गया, ये आपका ओरिजिनल साइज आ गया। तो अब हमने इसमें डिफरेंट कार्ड लगा दिए हैं, ये अगर आपने वापस रिमूव करने हैं यहाँ से प्लग करें, आप देखें सारे आप आपने वापस रिमूव कर दिए। तो आप इस तरीके से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं अपने मॉड्यूल्स की जो आपने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। अब हम बात करते हैं, ये एक ये आपका फिजिकल हो गया, ये आप देखें ये आपके पास एक आ गया डिवाइस मस्ट बी पावर ऑन, हम पहले इस डिवाइस को ऑन कर लेते हैं जी। ये हो गया ये 0 ऑफ और 1 मिन ऑन, ठीक है जी। ये आपके पास अभी डिवाइस इज स्टिल बूटिंग प्लीज वेट अंटिल, ये जो आपकी लाइंस आ रही हैं ये जो नंबर साइन ये है इसको हैश साइन बोलते हैं, ये नंबर साइन बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि 1 जो है 5 bytes डाटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है। ये आपके पास जो है अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ से रेज करनी है, कोई सेटिंग मैनुअल करनी है तो आप सारी सारी कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ से मैं करता हूँ CLI मोड CLI करता हूँ तो ये आपका राउटर आपका स्टार्ट हो गया, मैं इंटर करता हूँ नाउ यू आर इन द यूज़र मोड, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप उस स्लाइड पे जाएं, ये आपके पास जो आ गया आप देख रहे हैं कि आप एग्जैक्टली अपने यूज़र मोड में हैं, ये आपके पास आपका यूज़र मोड आ गया। अब आप इसमें देखें कि ये आपके पास फर्स्ट मोड है, ठीक है, ये आपके पास कन्फिगरेशन है, ये फिजिकल है, इसमें इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ से आप एक और राउटर पे कर लें, इस पर डबल क्लिक करें, इसका भी सेम, हर राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होगा। हर देखें आपके पास चाहे लैपटॉप डेल का है, चाहे HP का है, ठीक है, चाहे आपके पास जो है IBM का है, Acer का है, सोनी का है, अगर आपने उसमें विंडोज 7 इंस्टॉल किया सबकी विंडोज 7 सेम होगी। ये नहीं होगा कि डेल के अंदर विंडोज 7 को किसी और तरीके की आ रही है, HP में विंडोज 7 किसी और तरीके की आ रही है, नो, हर एक डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे मैं इसको नो करता हूँ। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यहाँ पे हम एक राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका था यूज़र मोड, कि यूज़र मोड के अंदर आप क्या काम किस तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, इट्स अ
प्रिविलेज आर इनेबल, ठीक है, आपका जो इनेबल मोड होता है या प्रिविलेज मोड होता है, इसके अंदर इनेबल मोड, और इसके दोनों नाम है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये आपको इस नंबर साइन से पता चलता है। ये जो नंबर साइन है या हैश साइन है, इट मीन्स कि यू आर इन द इनेबल मोड, यू आर इन द इनेबल। अब हम जाते हैं वहाँ पे इनेबल मोड में जाने के लिए। अब ये आपके पास यूजर मोड है, यहाँ पे लिखेंगे ई एन ए बी, मैं कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ, ई एन ए बी एल ई, आप लिखेंगे इनेबल, इंटर करेंगे तो आप देखें अब अपने नंबर साइन में आ गए। ये जो आपका नंबर साइन है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका इट मीन्स कि राइट नाउ आप किस मोड में हैं, आप इनेबल मोड में। अगर आपने वापस जाना है, ठीक है, यहाँ से आप जाना चाहते हैं वापस, आप लिखेंगे डिसेबल तो आप वापस डिसेबल मोड में चले गए। तो ये आपका इनेबल, और फिर एक बार मैं इसको करता हूँ रिपीट, आप ये करेंगे इनेबल तो आप चले जाएंगे अपने इनेबल मोड में चले जाएंगे, और अगर आप डिसेबल करेंगे तो आप वापस यूजर मोड में चले जाएंगे। अब हम देखते हैं स्विच का और राउटर का बूट सीक्वेंस। नॉर्मली इनिशियल जो स्टार्टअप होता है आपके कैटलिस्ट स्विच का, ठीक है, सिस्टम स्टार्ट अप रूटीन इनिशिएट स्विच सॉफ्टवेयर, वो स्विच का सॉफ्टवेयर को इनिशिएट करता है। इनिशियल जो स्टार्टअप यूजेज डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन पैरामीटर, बाय डिफॉल्ट जो उसकी कन्फिग्रेशन होती हैं, जिस तरह आपकी राउटर की थी वैसे ही स्विच की भी बाय डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन वही होती हैं। बिफोर यू स्टार्ट द स्विच वेरीफाई द केबलिंग, एंड डेफिनेटली मैं अगर स्विच रखा हुआ तो उसकी केबल देखूंगा, सारी चीज़ें देखूंगा, और फिर उसको अटैच द पावर केबल प्लग टू द स्विच पावर सप्लाई सॉकेट। आप उसकी जिस तरह भी अपने राउटर की डायग्राम देख रहे थे, साथ उसका जब बटन बना हुआ था ऑन ऑफ का, साथ पावर प्लग भी था, आपने पावर प्लग लगा दी, और ऑब्जर्व द बूट सीक्वेंस। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट अमिटिंग डायोड, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे एलईडीज हैं, लाइट अमिटिंग डायोड ऑन द स्विच चेसेस, जो आपका स्विच चेसेस है उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट लाइट अमिटिंग डायोड हैं, ठीक है। सिस्को iOS सॉफ्टवेयर आउटपुट टेक्स्ट, साथ साथ जो आपकी आउटपुट टेक्स्ट है आप वो भी उसमें देख रहे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बूट सीक्वेंस के अंदर आपको क्या चीज़ मिलती है। ये आपके पास स्विच का जो फ्रंट एंड है, ठीक है, ये आपके पास सिस्टम, जब आप एक स्विच को अगर देखें, ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टम की लाइट आ रही है, LED आ रही है, ये पोर्ट की शो हो रही है, ये आपकी डिफरेंट पोर्ट्स हैं 1x 2x 3x, ठीक है, ये आपकी रिडेंडेंट पावर सिस्टम LED है, और ये आप यहाँ का, ये आपका मोड का बटन है जिसके थ्रू आप डिफरेंट मोड्स को स्विच कर सकते हैं। मैं अगर वापस सिमुलेशन टूल में जाऊँ तो ये आप देखेंगे ये आपके पास डिफरेंट टाइप की आ रही हैं स्विचेस। यहाँ से मैं अगर एक स्विच ये पिक करता हूँ और मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, या मैं अगर कोई फर्ज किया है यहाँ पे केबल ले लेता हूँ, स्ट्रेट केबल ले लेता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं। फास्ट इथरनेट 0/1 का मतलब है कि इट्स योर फर्स्ट पोर्ट। इसके अंदर आप कितनी पोर्ट्स लगा सकते हैं, 24 पोर्ट्स इस स्विच के अंदर हैं, ठीक है, जो आपकी 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की है फास्ट इथरनेट, जबकि दे आर टू पोर्ट्स जो आपकी गीगाबिट्स की पोर्ट्स हैं, ये आपकी 1000 मेगाबिट्स की हैं, और बाकी जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो बाकी 24 पोर्ट्स हैं ये आपकी फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से कन्फिगर करते हैं, क्या करते हैं, मैं अगर यहाँ पे इसको लिंक करना चाहता हूँ तो ये फास्ट इथरनेट है, ये मैंने एक कनेक्शन आपस में डेवलप कर दिया। मैं अगर इसको और लिंक करना चाहता हूँ, एक मैं कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल एक और ले लेता हूँ, एक पोर्ट में ये ले लेता हूँ, और अब इसमें देख रहे हैं इसको मैंने कंसोल के साथ लिंक कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हम, ठीक है, वी कैन, अगर मैं कुछ यहाँ से कुछ पीसी ले लेता हूँ, 1 PC ले लिया, एक जेनेरिक सर्वर ले लिया, एक लैपटॉप ले लिया, यहाँ से मैं केबल में जाता हूँ। अब आपको रूल पता होना चाहिए कि आपने स्ट्रेट केबल यूज़ करनी है, आपने क्रॉस केबल यूज़ करनी है, क्रॉस कहाँ यूज़ करनी है, स्ट्रेट कहाँ यूज़ करनी है। यहाँ से मैं अगर इस पर लिंक करता हूँ और ये जगह मैं अपने सर्वर में प्लेस कर देता हूँ, ये अगर मैं एक और केबल लेता हूँ स्टेट, ये मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, और ये अब मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, और ये मेरे पास एक लैपटॉप है, एक इसको मैं स्टेट केबल यूज़ करता हूँ, और यहाँ से 23 पोर्ट में यूज़। आप देखें कि ये हमने डिफरेंट केबल डिफरेंट पॉइंट्स
ये आप जो एक पॉइंट देख रहे हैं, ये रेड यहाँ कोई प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो ग्रीन है इट मीन ये सारे कनेक्शंस ठीक हैं आपके, ये जो रेड है देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ रॉन्ग है और क्यों रॉन्ग है। वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। तो ये आपके पास वो पोर्ट्स हैं 1x 2x 3x 4x जो भी हम बात कर रहे थे कि 1x पोर्ट क्या करती है, 2x पोर्ट क्या करती है और 3x पोर्ट क्या करती है। अब पोर्ट का जो स्विच का पोस्ट है, पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी आप पोर्ट एलईडी जो आपकी लाइट मिटिंग डायोड्स हैं ड्यूरिंग स्विच पोस्ट, जो आपका स्विच का पोस्ट का प्रोसीजर है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है एट द स्टार्ट ऑल पोर्ट्स एलईडीज आर ग्रीन। शुरू में आपके पास जितनी भी एलईडीज होती हैं वो सारी की सारी ग्रीन होती हैं। ईच एलईडी टर्न्स ऑफ आफ्टर इट्स टेस्ट कंप्लीट। हर एलईडी लाइट ऑफ हो जाती है जब उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। यानी इन द स्टार्ट क्या होगा कि आपके पास जितनी भी एलईडीज हैं वो सारी की सारी ग्रीन हो जाती हैं। फिर क्या होता है ईच एलईडी कि आपके पास यानी जितनी भी एलईडीज हैं वो सारी की सारी टर्न ऑफ हो जाती हैं आफ्टर इट्स टेस्ट। जब उसका टेस्ट कंप्लीट होता है तो वो सारी की सारी जितनी भी एलईडीज हैं वो सारी की सारी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। इफ अ टेस्ट फेल्स, अगर कोई टेस्ट फेल हो जाता है इट्स एलईडी टर्न्स एम्बर। अगर कोई टेस्ट फेल हो जाता है तो जो उस एलईडी की लाइट है, एम्बर मीन येलो कलर, यानी जो उस लाइट का कलर हो जाएगा वो आपका येलो हो जाएगा, वो आपका आपका एम्बर हो जाएगा। सिस्टम एलईडीज टर्न एम्बर इफ एनी टेस्ट फेल्स। जो आपकी सिस्टम की एलईडीज है ठीक है उसका कलर भी येलो हो जाएगा अगर कोई आपका टेस्ट जो है अगर आपका कोई टेस्ट फेल होता है। इफ नो टेस्ट फेल्स पोस्ट कंप्लीट। अगर कोई भी, मैं आपको इसको इन सिंपल वर्ड्स समझाता हूँ, आपने स्विच को ऑन किया, सारी लाइट्स एक दफ़ा आपकी ग्रीन हो जाएंगी, अगर उसके बाद किसी पोर्ट की लाइट येलो हो जाती है या एम्बर हो जाती है, इट मींस कि वो जो पोर्ट है वो फिजिकल डैमेज है ठीक है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है ठीक है। तो अगर किसी भी पोर्ट का कलर येलो नहीं होता इट मीन्स कि जो आपका पोस्ट का प्रोसीजर है, जो आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और स्विच ने अपना पोस्ट का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब हम जब स्विच को ऑन करते हैं, जिस तरह हमने राउटर की बात की, तो स्विच में देयर आर थ्री ऑप्शंस ठीक है। अगर स्विच का आप देखें इनिशियल बूट सीक्वेंस देखें तो फर्स्ट आपका मेन्यू बेस है, सेकंड आपका कमांड लाइन है और आई आपका आईपी कन्फर्मेशन है। माइट बी सिमुलेशन में ये तीनों ऑप्शन आपको शो ना करें वो डायरेक्ट, तो हम अगर एम प्रेस करेंगे तो आपको एक मेन्यू दे देगा। कि मेन्यू मीन ये होता है कि आपको एक विजिट मिल जाएगा कि आपने ये करना है, उन्हीं ऑप्शन में आप काम कर सकते हैं ठीक है। अगर आपको कमांड्स नहीं आती, आप मेन्यू देख के जो है अपने स्विच की सेटिंग या कमांड्स को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ किया कि जस्ट एक स्विच के एक पोर्ट का आईपी एड्रेस चेंज करना है, तो माइट भी मेन्यू बेस से करने में तो आपको 5-6 ऑप्शन और भी देखनी पड़ेंगे, उसके थ्रू चेंज होगा, आप डायरेक्टली वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन जो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, जो आपका CLI इंटरफेस है, वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे लेके जा सकता है। आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच के उस इंटरफेस को यूज़ करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर मैं K प्रेस करूँगा तो जिस तरह आपके राउटर में आपको मिला था जस्ट लाइक वैसे यहाँ भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और अगर आप वहाँ पे आई प्रेस करेंगे तो अगर आपने सिंपल सिर्फ उसकी आईपी एड्रेस की कन्वर्शन करनी है तो सिर्फ आपको वो मिलेगा। तो अभी हम इसका जाके देखते हैं स्विच को, उसकी सिमुलेशन टूल में जाते हैं वापस। ये आपके पास क्या है, ये आपके सारे के सारे आपके स्विचेस पड़े हुए थे। यहां से हम एक स्विच पे कर लेते हैं। अब अगर मैं स्विच को, ये भी एक स्विच लगा, आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी स्विच यूज कर सकते हैं। आप अगर इसको डबल क्लिक करते हैं तो आप ये देखें ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इसकी डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं, 1, 2, 3 जो हम पोर्ट्स देख रहे थे, ये इसकी वो डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं। ये आपके पास एक कंसोल पोर्ट हो गई, सॉरी ये आपके पास इसकी डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं स्विच की ठीक है। इसी तरीके से ये आपके पास
ठीक है, ये आपके पास इसकी कन्फिग्रेशन आ रही है, ये आपके पास इसकी कमांड लाइन आ रहा है। मैं अगर वापस जाता हूँ फिजिकल पोर्ट के ऊपर, तो ये स्विच का बैक एंड है जो हमने बात कर रहे थे कि इसमें कितनी पोर्ट्स हैं, पोर्ट वन है, टू है। मैं अगर इसकी देखता हूँ, सीरियल मोड पर जाता हूँ, यहाँ पर इंटर करता हूँ, तो एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपके पास रियल स्विच है, अगर आप उसको ऑन करेंगे, तो उसमें आपको ये तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप के प्रेस करेंगे तो आप इस मोड पे आएंगे, अगर आप के प्रेस करेंगे, और अगर आप प्रेस करेंगे सिंपल एम प्रेस करेंगे, तो आपके पास मेन्यू आ जाएगा, वो वन बाई वन आपको आगे लेके चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल नेटवर्किंग में, इंडस्ट्रियल अप्रोच में, हम इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप मेन्यू बेस यूज़ करें। आपको जो आपकी रिकमेंडेशन है कि जो रियल टाइम नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ पे आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करें, वहाँ पे आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करें, दैट इज़ मच बेटर फॉर द रियल नेटवर्किंग। तो दैट्स वाई हम वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम अपनी कमांड लाइन इंटरफेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो आपकी कमांड लाइन इंटरफेस है, उसकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत बेहतर है। वो क्योंकि उसको यूज़ करने से एक तो जो है वो आप डायरेक्टली उस चीज़ पे पहुंच जाते हैं जिसको आपने ने आपका टाइम सेविंग है, ठीक है। ये सारे सारे बेनिफिट्स हैं आपको कमांड लाइन इंटरफेस में। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो ज़रूर है, लेकिन जब आप जिस तरह आपने आपको आपका लिनक्स है, आपका यूनिक्स है, अगर आप उसको एक दफा सीख जाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी जो बेसिक कमांड्स हैं, अगर आपको समझ आ जाएँ, तो फिर बाकी भी कोई कमांड्स में इतनी टेक्निकलिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि आप वो कमांड्स को मेमोराइज ना कर सकें या जहन ना रख सकें। अब जस्ट लाइक से यहाँ भी सेम है, इनेबल और डिसेबल। मैं अगर वापस जाऊँ स्विच के ऊपर, ये स्विच है, तो अब ये देखें, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ इनेबल, ये सेम वही कमांड, और अगर लिखता हूँ डिसेबल, तो हमने यही कमांड अभी थोड़ी देर पहले आपने जो आपका राउटर था वहाँ भी यूज़ की थी, यही कमांड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। तो अब देखें, यहाँ तक अभी तक कोई कमांड डिफरेंस नहीं है। जो कमांड आपने यूज़ की थी स्विच पे, वही कमांड आप यूज़ कर रहे हैं राउटर पे। जो आपने राउटर पे यूज़ की थी, वही कमांड आप यूज़ कर रहे हैं स्विच के ऊपर। अब हमारे पास इसकी जो हेल्प की फैसिलिटीज़ हैं, वो देर आर थ्री टाइप्स। एक आपके पास कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प होती है, एक आपके पास कंसोल एरर मैसेज हेल्प होती है, एक कमांड हिस्ट्री बफर होता है, ठीक है। वन बाय वन जो कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प है, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कमांड एंड द आर्गूमेंट एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कमांड। अगर आपको एक कमांड की कोई पता नहीं है कि उसके आगे पैरामीटर्स क्या हैं, वो किस तरह कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आप अपनी कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर बस कंसोल एरर मैसेज कि आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम विद एनी स्विच कमांड्स दैट आर इनकोरेक्टली इंटर्ड सो दैट यू कैन ऑल्टर आर कुरेक्ट दैम। अगर आपने उनको ऑल्टर करना है, उनकी कुरेक्शन करनी है, उनकी चेंजेस क्या लानी है आपने, वो आप अपने कंसोल एरर मैसेज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज कमांड हिस्ट्री बफर, ठीक है, अलाउज रिकॉल ऑफ लॉन्ग आर कम्प्लेक्स कमांड आर एंट्री फॉर रिव्यू आर कोरेक्शन। तो अभी हम इन तीनों को वन बाई वन देखते हैं। ये हमारे पास तीन हेल्प फैसिलिटीज हैं जो हम राउटर्स और स्विचेस दोनों में यूज कर सकते हैं। अब ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो आपके स्विच पे यूज होती हैं। फर्स्ट इज शो वर्जन। वर्जन जिस तरह आप कहते हैं कि विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, विंडोज 7 है, वैसे ही जो राउटर का इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसके भी एक वर्जन होता है। तो वो अगर आपने देखनी है, तो आपने किस मोड में ये आपका जो नंबर साइन है, इससे क्या मुराद है कि आप इस टाइम पे आपने इनेबल मोड में है। जब आप शो वर्जन करेंगे, तो आपको अभी हम करके देखते हैं स्विच के ऊपर। ये आपके पास शो, पहले आप जाएंगे, सॉरी, एक आपके इस मोड में, अभी यूजर मोड में है, यहाँ पे इनेबल टाइप किया, शो वर्जन। तो अब ये देखें कि शो वर्जन के अंदर एक तो आपको अपने केस का वर्जन जो है वो 12.2 है, इसमें कितनी पोर्ट्स हैं, इसका मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, पावर सप्लाई का पार्ट नंबर क्या है, ठीक है, उसका सीरियल नंबर क्या है, यहाँ से अगर आप, तो ये सारी यहाँ पे आप इंटर करते जाए, ठीक है, ये सारी की सारी
आपको डिटेल बता रहा है कि इसके वर्जन कौन सा है, कोड नंबर क्या है, ये जितनी डिटेल्स हैं ये सारी की सारी आप देख सकते हैं यूजिंग शो वर्जन की कमांड को यूज़ करके। एग्जैक्टली यही कमांड आप अपने राउटर में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ मिलेगी। सेकंड यहाँ पे आती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है और एक आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आगे आ जाएगी एक दो स्लाइड बाद कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है इसको हम रैम बोलते हैं। हम जो इसमें सारा काम कर रहे हैं वो रैम में सेव हो रहा है। मैं अगर एक वर्ड में एक डॉक्यूमेंट टाइप करता हूँ उसको सेव नहीं करता तो वो कहाँ सेव हो रहा है, वो आपकी रैम में सेव हो रहा है। जैसे ही मैं अगर पावर चली जाती है तो वो डॉक्यूमेंट तो गया क्योंकि आपने सेव नहीं किया। तो अगर आप उसको हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं साथ साथ, तो वो आपकी परमानेंट स्टोरेज है, जिसको हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है ये आपकी टेम्परेरी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे ही राउटर या स्विच रिबूट हुआ या पावर ऑफ हुई तो वो आपकी जितनी भी सेटिंग है वो सारी की सारी उसमें से डिलीट हो जाएंगी। तो अगर आपने अपनी रैम की सेटिंग देखनी है तो उसके लिए क्या कमांड है, शो रनिंग कन्फिग। आप शो रैम नहीं लिखते, आप लिखते हैं शो रनिंग कन्फिग, शो रनिंग। अच्छा इसमें अगर आपने देखें, एक तो ये मैं लिखता हूँ रनिंग, फिर डैश लिखता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिर्फ शो रन करते हैं और आप टैब प्रेस करते हैं तो अगर उससे कोई और कमांड नहीं बनती तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर में भी, जो आपका रियल राउटर है, आप अगर आप टैब प्रेस करते हैं, मैं आ लिखता हूँ तो वो अगर उससे कोई और कमांड नहीं बनती तो वो कमांड आपकी कंप्लीट कर देता है, वो फुल पूरी कर देता है। आप शोर रनिंग कॉन्फ़िग किया आपने तो यहाँ पे सारी की सारी जो सेटिंग है वो आपने शो कर दी। इसी तरह हमारे पास शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है तो वो अभी इसमें कोई चीज़ सेव नहीं है। तो आप देख रहे हैं जबकि शो रनिंग में आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ चीज़ें शो कर रहा है लेकिन आपने अभी तक इसको सेव नहीं किया, तो इसलिए जो आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िग आ रही है आप ये देख रहे हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। फिर थर्ड कमांड है इसमें शो इंटरफेसेस की। देखिए इंटरफेसेस क्या होते हैं, आपके पास इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 0, कंसोल, एक्सलरी, टोकनिंग 0, ठीक है, सीरियल 0, ये जितने भी हैं, ये जो राउटर के बैकएंड को आपने देखे दे लास्ट लेक्चर में भी, वो सारे के सारे आपके इंटरफेसेस हैं। जो जहाँ पे आप अपने जिस तरह आपके पास एक कंप्यूटर है उसमें यूएसबी है, उसमें माउस की पोर्ट है, उसमें साउंड कार्ड की पोर्ट है, उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की पोर्ट है, तो वो सारे आपके इंटरफेसेस हैं। तो इंटरफेसेस को देखने के लिए क्या कमांड है, शो शो इंटरफेसेस। आप देखें अभी देखें ये आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं उनके किस इंटरफेस में कितने पैकेट जा रहे हैं, कितने पैकेट सेंड हो रहे हैं, कितने पैकेट उसको रिसीव हो रहे हैं, कितने उसको रिसीव नहीं हो रहे, वो सारी की सारी आप देख रहे हैं। जितनी भी डिटेल है ये आप सारी की सारी अपनी इंटरफेस में देख सकते हैं। अब एक और चीज़ देखिएगा, शो आई, अब मैं प्रेस करता हूँ शो आई, आप देखें वो अब वो पूरे, क्यों, इट मीन्स आई से कोई और कमांड भी बन रही है, लेकिन जब मैं एन लगाता हूँ और फिर टैप रखता हूँ इट मीन्स आई एन से कोई और कमांड नहीं है, तो उसने इंटरफेस पूरा कर दिया। तो ये इसके अंदर आप देखें, ये इसमें ऑटो लर्निंग है, मैं अगर जस्ट आई प्रेस करता हूँ तो वो चीज़ शो नहीं करता, जब मैं यहाँ एन प्रेस करता हूँ और टैप करता हूँ तो शो इंटरफेस आ जाते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी दूसरी इससे कोई और कमांड नहीं बनती, तो आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं शो इंटरफेसेस, ठीक है जी। तो शो इंटरफेसेस या एंटर करेंगे आप, ये आपके पास आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तीन आपकी होगी कमांड, शो वर्जन की, शो रनिंग कॉन्फ़िग की एंड शो इंटरफेसेस की। ये अभी जो हमने वहाँ देखा ये उसी का यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है। जब आप शो वर्जन रन करते हैं तो अभी हमने यहाँ भी करके देखा था कि जब आप शो वर्जन रन करते हैं तो ये चीज़ें जो यहाँ पे आई हैं वो उन्होंने यहाँ पे सारा कैप्चर कर दिया है। ये आपका है कि ये आपका सीरीज़ कौन सा है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम 8.0 है, जिस तरह आपके पास विंडोज 95 होती है, विंडोज ठीक है 97 थी, 2000 है, एक्सपी है, उसी तरह आप इसका वर्जन यहाँ देख सकते हैं। फिर आपके पास इथरनेट का एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, ये आप देख सकते हैं इससे। नेक्स्ट
ये 1924 और 1912, इससे क्या मुराद है कि जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं ये सीरीज को नॉर्मली डिनोट करते थे। ठीक है, 1900 ये स्विच आपका 1900 सीरीज का स्विच है और इसमें 24 पोर्ट्स हैं, यानी आप इसमें 24 नोड्स लगा सकते हैं, 24 कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। और अगर आप कहते हैं 1912 तो ये 1900 सीरीज का स्विच है और इसके अंदर आप जो है अपनी 12 पोर्ट्स लगा सकते हैं। तो 1924 का मतलब जो फर्स्ट टू आपके हैं वो आपकी सीरीज है और जो जो नेक्स्ट टू हैं वो आपकी नंबर ऑफ पोर्ट्स को शो करते हैं। तो 1924 मीन्स ठीक है कि 1900 सीरीज का स्विच है और 24 पोर्ट्स हैं। 1912 का मतलब है कि 1900 सीरीज का स्विच है और आपके पास इसमें 12 पोर्ट्स हैं। ये आपकी पोर्ट नंबर 1 है ये, ठीक है। फिर ये देखें, ये 0/1 होगा, फिर ये 0/2 होगा, 0/3 होगा, 0/4 होगा, एंड सो ऑन। मैं अगर यहां पे लिखता हूं सिर्फ और सिर्फ शो इंटरफेसेस, तो जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारे के सारे आप यहां पे देखें शो इंटरफेसेस, तो सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास। और अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक इंटरफेस देखना है, आप देखना चाहते हैं ईथरनेट 01, तो आप लिखेंगे, सॉरी यहां पे फिर एस नहीं आएगा, आप लिखेंगे शो इंटरफेस E0/1, तो वो आपको एक स्पेसिफिक इंटरफेस मिल जाएगा कि इथरनेट 0/1 के ऊपर क्या हो रहा है या इथरनेट 0/7 के ऊपर क्या हो रहा है। तो अगर आपने एक स्पेसिफिक इंटरफेस देखना है तो फिर आप लिखेंगे शो इंटरफेस, और अगर मैं सारे देखने हैं तो आप लिखेंगे शो इंटरफेसेस, तो आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं आप सारे सारे इसमें देख सकते हैं। फिर अगर आपने उसका आईपी एड्रेस देखना है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो अगर आपने उसका आईपी एड्रेस देखना है तो आपके पास क्या कमांड है शो आईपी की, यहाँ पे आप जाके शो आईपी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कमांड इनकम्प्लीट क्यों आ रही है, इसमें हम यूज करते हैं VLANs, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस VLAN 1, सॉरी config t इंटरफेस VLAN 1 शो आईपी, तो फिर आपको नजर आएगा यहाँ पे वो आईपी एड्रेस आपको नजर नहीं आता। इसलिए अभी आप इससे कंफ्यूज ना हो, आपके पास सिंपल एक कमांड है शो आईपी की, ठीक है, जो आप जिस तरह आपका राउटर है एंटर, शो आईपी राउट, सॉरी, तो ये आपके पास आ जाएगा, इससे आप देख सकते हैं। तो अगर आपने इसका आईपी एड्रेस देखना है तो बस क्या कमांड है शो आईपी, इससे आपका आईपी। अच्छा, ये एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कुछ कमांड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के साथ भी डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास जो आपका राउटर है या स्विच है, अगर उसका इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 7 है, ठीक है, माइट बी कुछ ऐसी कमांड हुई है रिलीज जो 8 में आई है, 7 में है ही नहीं, तो आप जब 7 में उन कमांड को ट्राई करेंगे तो वो कमांड काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि जो आपका जिस तरह आपकी फाइल्स कंपेटेबिलिटी का इशू होता है, कि अगर 97 वर्ड में हमने फाइल लिखी है तो वो 2003 में ओपन ही होगी अगर आप उसको सेव एज नहीं करते, तो वैसे ही जो आपकी यहाँ कमांड होती हैं, अगर आपने एक कमांड जो है वो जो आपकी 7 वर्जन में आई थी और आप जो है 6 में उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पर वो काम नहीं करेगी। यहाँ से इसके बाद आपका शुरू हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन मोड, शुरू हो जाता है। हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन मोड किस तरह होता है। अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 2 मोड, अभी हमने ये देखा राउटर का बूट सीक्वेंस क्या होता है, स्विच का बूट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, राउटर और स्विच में इनेबल और डिसेबल, हम इनेबल मोड में किस तरह जाते हैं, यूज़र मोड में किस तरह जाते हैं, यूज़र से इनेबल में, इनेबल से यूज़र में कैसे जाते हैं अभी तक। फिर हमने शो आईपी एड्रेस की कमांड देखी, शो वर्जन की कमांड देखी, शो रनिंग कॉन्फ़िग देखा, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग देखा, शो इंटरफेसेस देखा, हमने यहाँ तक अभी तक देखा, हमने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं की। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, कि पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल किस तरह करना है, कि जो बेसिक कमांड्स हैं इनको यूटिलाइज किस तरह करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वह यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में जाके देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम चीज़ें किस तरह करते हैं कॉन्फ़िगर। उससे पहले पहले आप ये सारे के सारा, यानी आप पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर लें, या
ठीक है, जो इसमें ठीक है जो भी हमने कमांड उस पर की दी, इस पर भी करके देख लें जल्दी से एक दफा कि अब ये देखें आप एनेबल शो वर्जन, ये कमांड हमने उस पर भी की दी, सेम वही कमांड है शो रनिंग कन्फिग, ये हमने वहां भी की है कमांड, यहाँ पे भी वही कमांड है शो स्टार्टअप कन्फिग, ठीक है शो इंटरफेसिस। तो ये आपकी जो कमांड हमने वहां पे की हैं वही सारी की सारी कमांड आपकी यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक शो आईपी तक आप जो हमारा लास्ट है वो आज आप यहाँ तक रखें, ठीक है। आज हमारे लेक्चर में हमने क्या चीज़ें की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, राउटर और स्विच को लगाने के कितने तरीके होते हैं, कि हम उसको जो है कंसोल से लिंक कर सकते हैं, जरिए से लिंक कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू लिंक कर सकते हैं, वेब बेस कर सकते हैं, TFTP क्या होता है, फिर आपके राउटर और स्विच में डिफरेंस क्या है, दोनों का बूट सीक्वेंस क्या है, जो आपका राउटर है वो बूट किस तरह करता है, जो आपका स्विच है वो बूट किस तरह करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखी, फिर हमने जो पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल किया, उसमें हमने देखा कि जो आपका राउटर है उसको ऑन किस तरह करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है, जो उसकी बेसिक कमांड हैं हमने वो सारी देखी। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे कि जो आपके पास जो आपका ग्लोबल मोड है, ठीक है, यानी यहाँ तक हमने सिर्फ ये देखा है कि आपका जो यूज़र मोड है और जो आपका इनेबल मोड है वो किस तरह है। अब इस डिवाइस के ऊपर आप अपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, राउटर और स्विच को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कैसे करना है, इंशा अल्लाह वो हम अपने जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।